दोस्तों हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया था अभी निकलते मैं दिखाऊँ यहाँ पे क्या चीज़ है। देखिए कोकोनट वाटर, नारियल पानी पी रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यहाँ पता है कितना, हर जगह 50-60 रुपये स्टम चल रहा है या 30 रुपये का मिल रहा है। पूरी भुवनेश्वर सिटी है तो इधर ही एक IIT करके कॉलेज है जहाँ जाना है हमें। दे दिया है ब्रीथ को हमने, देखिए ये है ब्रीथ। गाइस हम आ गए हैं एस्प्लेंडे मॉल जो है का सबसे बड़ा मॉल है। दोस्तों मॉल के अंदर आ चुके हैं, मैं आपको मॉल दिखाता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसी है अपनी एशियन फैमिली, होप करते बहुत ही अच्छी होंगी। अगर आपने हमारा लास्ट ब्लॉग देखा उसमें मैं बताया था कि हम आज भुवनेश्वर के लिए निकल रहे हैं, तो भुवनेश्वर में तो जो जो जगह विजिट करने वाले देखेंगे आज। तो बस अभी होटल से निकले थे हम चेकआउट करके, तो यहाँ पर आए हैं सामने ये डोसे की शॉप। यहाँ पे स्नेहा का मन था डोसा खाने का। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, तो डोसा खाने आए हैं आज, ब्रेकफास्ट में डोसा खाएंगे। चलिए डोसा खाते हैं फटाफट और फिर यहाँ से निकलेंगे सीधा भुवनेश्वर। हम सोच रहे थे 8 बजे तक निकलेंगे और करते करते 9:15 हो गए हैं, तो अभी हमने भुवनेश्वर भी जाना है, वहाँ से फिर हमने रात को विशाखापट्टनम भी जाना है, वहाँ नाइट स्टे करेंगे। विशाखापट्टनम का ऐसे रास्ता 8-8.5 किलोमीटर का है, तो देखते हैं कितना टाइम लगेगा। अभी भुवनेश्वर में भी हमें एक दो जगह विजिट करनी है। फिलहाल डोसा आता है तो डोसा खाते हैं। हमारा मसाला डोसा, साथ में है नारियल की चटनी, सांभर और ये मसाला डोसा है। अच्छा डोसा बना रखा था, स्टफिंग में इन्होंने कॉर्नस होते जो मक्की के दाने वो भी डाले हुए थे इसमें मसाला डोसा में, तो अच्छा लग रहा था बहुत टेस्ट। तुम्हें कैसा लगा गुंजन? बहुत अच्छा लगा, मुझे रेसिपी पसंद है। इसका तो फेवरेट है डोसा, मुझे इतना नहीं पसंद पर ठीक ही लगा मुझे भी, आज मैंने खा लिया। तो बस ये आखिरी पूरी देखें, मरीन ड्राइव है सामने, देख ही रहे हैं आप। इसी रोड से हम वापिस जा रहे हैं, इधर समुंदर है आखिरी बार देख लीजिए, पूरी का समुंदर और बीच पूरी की बीच देखिए। लोकल मार्केट हमने गए थे लास्ट ब्लॉग देखा होगा आपने, उसमें हमने दिखाया था पूरी यहाँ की मार्केट, जो स्ट्रीट मार्केट लगती है बीच पे, तो फिर भी जितनी थी वो आधी थी, उससे ज़्यादा भी लगती है यहाँ पूरी बीच पे। फिलहाल बरसात के चक्कर में कमी रखा हुआ लोगों ने, बस यहाँ से हम निकलते हैं फटाफट भुवनेश्वर। टाइम दिखा रहा है भुवनेश्वर पहुँचने में 70 किलोमीटर है यहाँ से, और 1.5 घंटे का रास्ता दिखा रहा है। जितनी जल्दी उससे जल्दी पहुँचते हैं वहाँ पर भी घूम फिर के फिर हमें विशाखापट्टनम निकलना है। तो आज ही रात को सोचा हमने वेस्ट विशाखापट्टनम में स्टे करेंगे, तो यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट सब कुछ घूम ही लिया जो पूरी में था, जगन्नाथ मंदिर भी, कोणार्क का भी, चिली का लेक में गई, सबसे मज़ा मुझे वहीं आया चिली का लेक में। वहाँ जाके ऐसा लगा हाँ पूरी आने का पैसा वसूल हो गया है। बस एक वही अच्छी जगह लगी इतनी ज़्यादा, मतलब मंदिर तो अपने आप में था अच्छा, वो घूमने वाली जगह में मुझे चिली का बहुत अच्छी लगी, क्योंकि वहाँ बोटिंग करने उम्र की डॉल्फिन देखी हमने और इतनी पास से दिखाई भैया ने इस बार, इतनी तो गोवा में भी नहीं दिखाते। छोटा सा ब्रेक लिया था भी निकलते मैं दिखाऊं यहाँ पे क्या चीज़ है। देखिए कोकोनट वाटर, नारियल पानी पी रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यहाँ पता है कितना, हर जगह 50-60 रुपये स्टम चल रहा है या 30 रुपये का मिल रहा है, चाहे मलाई वाला लो चाहे पानी वाला लो। कुछ लोग डाब भी बोलते हैं बिहार साइड वगैरह, तो हम पी रहे हैं इसे। इसमें मलाई वाला लिया हमने, एक कड़वा निकल गया इसमें, अब क्या कर सकते हैं, जो किस्मत में है तुम्हारे ये नॉर्मल है। कल ही खराब सा है, कड़वा सा है, देख लो आप। तो भैया बहुत अच्छे उन्होंने रिप्लेस कर दिया है, क्योंकि तो उसमें कड़वापन था रहा था, और ये वाला तो मेरे वाला तो सही है, अच्छा लग रहा है। चलिए आगे चलते हैं और कुछ और दिखाते हैं आपको अच्छी चीज़ें। दोस्तों बस हम पहुंचने वाले हैं, 8 किलोमीटर रह गया भुवनेश्वर। तो मेरा जो मेन मोटिव था यहाँ पे भुवनेश्वर आने का, वो था मेरा भाई यहाँ पे हॉस्टल में पढ़ता है, मतलब मेरे चाचा जी का लड़का है, वो यहाँ हॉस्टल में पढ़ता है, पढ़ाई कर रहा है, तो उससे मिलना था। वैसे वो रहने वाले टाटा के हैं, टाटा शहर में जो पढ़े थे आपने देखा था, तो हम बार बार निकल के आए थे, वहाँ के रहने वाले हैं। तो उसका भी इसी साल यहाँ पर उसने एडमिशन लिया है हॉस्टल में, वहाँ पर किड्स कुछ करके यूनिवर्सिटी है, तो वहीं पर जा रहे हैं उससे मिलने, 1 घंटे के लिए उससे मिलेंगे, फिर वहाँ से मिल के थोड़ा मॉल वगैरह घूम के सीधा वापस विशाखापट्टनम के लिए निकल जाएंगे, क्योंकि रात तक विशाखापट्टनम भी पहुँचना है। मैंने कहा जब आई रखे उड़ीसा में भुवनेश्वर में था ही, मैंने कहा क्यों ना मिल के ही जाते हैं, क्योंकि टाटा में तो मिल नहीं पाए क्योंकि बार बार से निकले थे और टाइम भी बहुत कम था हमारे पास। चलते हैं फिर उससे मिलते हैं भाई से और काफ़ी सारी बातें करते हैं, मतलब बहुत साल बाद मिल रहा हूँ मैं, क्योंकि आना होता नहीं बिहार की साइड, बहुत साल हो गए, 8-10 साल हो गए, उसके बाद ही मिल रहा हूँ मैं उससे। पूरी
कॉलेज जहाँ जाना है हमें, देख रहे कितने बड़े बड़े यहाँ मॉल्स वगैरह शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह हैं, कितने बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं, पूरा भुवनेश्वर शहर है। तो हमारा प्लान कुछ बना है कि उसको लेके प्रीत को सीधा जू चलते हैं, जू में घूमेंगे क्या, जू घूम के उसके बाद में बातें भी हो जाएंगी और उसको फिर ड्रॉप करके वहाँ से फिर वापस चल जाएंगे, एक डेढ़ घंटे यहाँ पर रहेंगे अभी हम। चलिए उसको लेते हैं फटाफट। गाइस हम पहुँच चुके हैं उसकी यूनिवर्सिटी के बाहर ही खड़े हैं, KIIT की यूनिवर्सिटी है। सोचा था हमने जाना है जू, पर आज मंडे है, नेट पर दिखा रहा सारे जू बंद है, यहाँ 3-4 जू हैं सारे बंद है। नंदनकानन करके एक जू है जो मेन जू है वो भी बंद है। तो प्लान ये कर रहे हैं मॉल चलते हैं, बस वो आने वाला है, आता तो आपको मिलवाते हैं उससे, फिर मॉल चलेंगे वहीं टाइम स्पेंड करेंगे थोड़ा और वहाँ से वापस निकल लेंगे। दे दिया है प्रीत को हमने, देखिए ये है प्रीत। हाय, बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं, कितने सालों बाद, शायद याद भी नहीं, 8-10 साल तो हुए होंगे, ज़्यादा ही हो गए होंगे ना, बचपन में थे जब देखा था। हम बीच में एक बार आए थे तब मिले थे, करीब 3-4 साल हो गए, 4 साल हो गए, वो भी एक ही दिन के लिए आए थे तब मिले थे, अच्छे से मुलाकात नहीं हुई थी, सारे घर वाले पंजाब भी जा रहे थे उस टाइम, कुछ था फंक्शन वगैरह। तो अभी हमने डिसाइड किया है अभी चलते हैं मॉल वगैरह, यहाँ का जो मॉल है वो चलते हैं, जो मेन मॉल है वहाँ पर जाकर थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे। बाकी जू का प्रोग्राम तो कैंसिल हो गया हमारा, बाकी कुछ यहाँ सारे कॉलेज वगैरह हैं। तो किस चीज़ की कर रहे हो पढ़ाई? BTEC CSE। अच्छा, हाँ जी। KIIT से ना? हाँ जी। हाँ, जगह जगह मतलब कॉलेज बहुत है ना? हाँ नहीं, ये अभी पूरा कैंपस उसी का है, KIIT का। अच्छा, सारे उसी का? हाँ, वहाँ से आप जो स्टार्ट किए हैं उनके, उसके बाद थोड़ा पीछे से ही अभी मतलब गोल चक्कर तक उनका ही कैंपस है टोटल। अलग अलग होंगे सारे? नहीं नहीं, पूरा एक ही कैंपस है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो कितना टाइम हुआ है यहाँ पे आए बस कॉलेज में? 20 days। अच्छा, 20 दिन ही हुए अभी? हाँ, ज़्यादा नहीं, अभी स्टार्टिंग ही है। हाँ, स्टार्टिंग ही है। गाइस हम आ गए हैं एस्प्लेंडे मॉल, जो है का सबसे बड़ा मॉल है। तो अभी अभी हमने पार्किंग में ही जा रहे हैं गाड़ी लगाने, तो दिखाते हैं यहाँ का मॉल कैसा है। हमने काफ़ी मॉल दिखा रखे हैं, केरला का कोची का सबसे बड़ा मॉल है जो, वो भी दिखाया है लुलू मॉल करके। आज आपको उड़ीसा का दिखाते हैं, भुवनेश्वर का। दोस्तों मॉल के अंदर आ चुके हैं, मैं आपको मॉल दिखाता हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं, नॉर्मल ही है, देखिए पूरा मॉल है। एक्चुअली इतना बड़ा तो नहीं है जितना बरेली का था, उससे थोड़ा सा बड़ा होगा बरेली वाले से, पर हाँ मतलब ठीक है, मॉल घूमने लायक। बाकी बातें चलते चल रही हैं प्रीत के साथ, अभी थोड़ा कुछ खाएंगे पिएंगे। तो फूड कोर्ट में आ चुके हैं और हमने पिज़्ज़ा खा रहे हैं डोमिनोज से, पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है फार्म हाउस, मेरे मिनट ने जिद करके एक अपने लिए कैन ले ली है, मुझे काम तो है नहीं, कैन का शौक है बस, कोल्ड ड्रिंक से उसमें पीनी नहीं है, बोतल में सिर्फ उसमें पीनी है इसलिए कैन में। तो अभी हमारा पिज़्ज़ा आता है तो हमने साथ में कोल्ड ड्रिंक ले रखी है बोतल वाली, पेप्सी वो भी आती है तो अभी खाते हैं, थोड़ा बातचीत करके फिर यहाँ से हम निकलेंगे और उसको प्रीत को ड्रॉप आउट करके फिर हम विशाखापट्टनम के लिए निकल जाएंगे यहाँ से। गाइस पिज़्ज़ा आ गया हमारा फार्म हाउस, हमने फार्म हाउस मंगाया था, साथ में है कोल्ड ड्रिंक। चलिए इसे खाते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं फटाफट, फिर आपको मिलते हैं। भाई देखो निमृत क्या कर रहा है, पागल हो गया, इधर से इधर चक्कर काटे जा रहा है, ऐसे मज़ा आ रहा है इसमें एक्सीलेटर में। चलो पागल लड़के। प्रीत को गुड बाय करने का टाइम आ गया है, काफ़ी अच्छा रहा प्रीत के साथ हमारा टाइम, पता ही नहीं चला कितना टाइम गुजर गया, हम ऑलमोस्ट 12 बजे, 11:30 बजे करीब आ गए थे हम। फर्स्ट टाइम मैं दिखा दूँ, देखिए 2:45 हो गए हैं, प्रीत को अलविदा कहते हैं और प्रीत आएगा हमारे पास, मैंने बोला है गर्मी की छुट्टियों में आएगा हमारे पास उत्तराखंड में, तो उसको पूरा घुमाएंगे। ठीक है प्रीत, पक्का है ना आना? जरूर, बिल्कुल। और खूब पढ़ाई करो जम के और अच्छी अच्छी जगह प्लेसमेंट लगे तुम्हारी। तो ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है यहाँ की, सबसे फेमस और सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, यहाँ पर प्लेसमेंट बहुत अच्छी लगती है, तो इंजीनियरिंग कर रहा है यहाँ से। तो चलिए फिर अलविदा कहते हैं और फिर हम भी निकलते हैं विशाखापट्टनम के लिए, हमें भी करीब करीब 8-10 घंटे लग जाएंगे पहुँचने में, रात हो जाएगी, 10-11 बज जाएंगे, कोशिश करेंगे जल्दी पहुँचने की। चलिए फिर।